हेलो हेलो टेस्टिंग हेलो। शौकत थानवी की किताब ए दिल रुबा तेरे लिए से इक्तिबास। अल्लाह जाने ये मौलवी नूरुल्लाह हमारे किन गुनाहों का अजाब है। हजार मर्तबा समझाया है कि मौलाना चाहे जैसी कसम ले लीजिए, पाकिस्तान सिर्फ हमने नहीं बनाया है और ना इसके आईन के हम जिम्मेदार हैं। हमारा कसूर अगर है तो सिर्फ इतना कि पाकिस्तान का नारा बुलंद करने में हम जरूर शरीक थे, और पाकिस्तान बन जाने के बाद जितनी खुशी दूसरे मुसलमानों को हुई अगर हमें इससे ज्यादा हुई हो तो जो चोर की सजा वो हमारी। मगर तौबा कीजिए, वो तो गालिबा ये समझते हैं कि ये सब कुछ हमारा ही किया धरा है। जान को आ गए हैं, जिंदगी अजाब करके रख दी है। अब ये कतई तय है कि हम दोनों बयक वक्त इस दुनिया में रह ही नहीं सकते, या मौलवी नूरुल्लाह जिंदा रहेंगे और या फिर हम। ख्वाह इस सिलसिले में बुजदिली खुदकुशी की तरगीब दे या हिम्मत कत्ल की तरकीब समझाए, भला ये भी कोई बात है कि घर से निकले और मौलाना ने आदब उचा। हजरत, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मुलाहिजा फरमाया आपने अपना पाकिस्तान। और हमने घूम फिर कर देखा तो सिर्फ एक राहगीर नजर आया जो निहायत खामोशी के साथ अपनी बाइसिकल पर सवार चला जा रहा था। अब हम हैरान हैं कि या अल्लाह, इस राह चलने वाले की कौन सी बात मौलाना को ऐसी नागवार गुजरी है कि हमको पाकिस्तान के ताने दिए जा रहे हैं। अभी हम समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि मौलाना बिल्कुल करीब आकर बोले, नाम रखा है पाकिस्तान। दावा ये था कि साहब हमको एक ऐसा खित्ता जमीन चाहिए जहां हम अपनी रिवायात को नजर कर सकें। हमको ऐसी मुमलिकत चाहिए जहां हम मुसलमानों की हैसियत से रह सकें। लेकिन हाल ये है कि अब तक डॉक्टर पूजे जा रहे हैं, अंग्रेजी दवाओं के बगैर गोया जिंदा ही नहीं रह सकते। जब तक अंग्रेजी में लिखा हुआ नुस्खा न हो उस वक्त तक जैसे मौत टली नहीं सकती। हमारा कसूर अगर है तो सिर्फ इतना कि पाकिस्तान का नाम। हैरत से पूछा, कैसा डॉक्टर मौलाना, किसकी दवा, कहाँ के नुस्खे? उन्हीं तेवरों से बोले, शेख साहब बीमार है ना, इस्लामी अखलाक है,